ओ शिट यार, चल भाई वापस आते हैं। सो गाइस, ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा स्कैरी लग रही है मुझे, क्योंकि जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ ना, मुझे ऐसे लग रहा है उस जगह से मैं वापस निकला हूँ। बट अभी क्या, अभी हम ऊपर चलते हैं ज़्यादा, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, सीधे सीधे से ऊपर है। सो गाइस, यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ का रास्ता देखो भाई, बहुत ज़्यादा भाई साहब, मतलब फट के हाथ में आ जाए ऐसा रास्ता है यहाँ का। ऑल राइट गाइज, सो गाइज हम लोग फिर से आए हैं मालचा महल पार्ट टू बनाने, बिकॉज गाइज पहले भी हम यहाँ पर आए थे और हम सही सही चीज़ें नहीं एक्सप्लोर कर पाए थे। सो टुडे हम लोग फिर से आए हैं और हम एक्सप्लोर करने वाले कि देखते हैं यार अंदर यहाँ पर क्या है, भूत क्या आत्मा है जो भी है, देखते हैं यहाँ पर अंदर क्या है। और एक चीज़ और दिखा रही है, देखो गाइज, तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी एंट्री बंद है, बट फिर भी हम लोग जाने वाले हैं। और साइड में दिखा दे भाई, सारी चीज़ें बिल्कुल बंद है, कोई नहीं है यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पर कोई नहीं है, ना इधर ना इधर, और अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये पूरा ये लगा रखा है ताकि कोई अंदर ना जाए, बट फिर भी हम लोग जाएंगे। और टाइम अभी करीब हो रहा है 1:30 से 2 बज रहे हैं, सो हम लोग चलते हैं अंदर एंड देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो चलो चलते हैं। सो गाइज देखो, यहाँ पर हम ज़्यादा कोई भी आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ। और इसका सीन ये है ना कि हमारे पास कोई फ्लैश लाइट नहीं है। आराम से भाई, आराम से। भाई भाई फट तो नहीं रही, ठीक है, कोई दिक्कत रंजीत? नहीं, तो भाई देखो माल चमल की कहानी की, यहाँ का जो रोड है ना वो सबसे ज्यादा हॉन्टेड है, क्योंकि अंदर जाने के लिए जो जगह है ना वो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। सो गाइस देख सकते हो, फाइनली हम रीच कर चुके हैं उस जगह पे जिस पे लोग आने के लिए मरते हैं गाइस। और लिटरली मान रूड, ये सबसे ज़्यादा स्कैरी इस चीज़ के लिए है कि यहाँ पर कोई नहीं है इस टाइम पर, रूड कोई भी नहीं है। और हम लोग चलने वाले हैं मालचा महल के अंदर। और आज मैं ना, पिछली बार वीडियो में हम लोगों ने ऊपर से एक्सप्लोर नहीं करा था, इस बार हम पूरा अंदर तक चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे एंड देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो चलो चलते हैं। सो गाइज हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं और हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो चलो चलते हैं। और पहले एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर दो दरवाजे हैं, एक इधर ये छत की तरफ जाता है और दूसरा इधर है, ये भी छत की तरफ जाता है गाइस। तो गाइस अभी हम चलने वाले हैं अंदर और उसके बाद सारा एक्सप्लोर करने के बाद उसके हम चलेंगे छत पे। सो चलो आ जाओ। चलो गाइस ये देख सकते हो, ये बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है और इसमें कोई भी नहीं है अभी, कोई भी नहीं। अगर कोई भी आके बहुत सीन हो सकता है, इसलिए ये चीज़ हम जल्दी ख़त्म करके यहाँ से निकलेंगे। सो ये देख सकते हो, एक इधर की तरफ रास्ता है जो कि जंगल की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो इधर भी है, एक इधर है, ये भी है, ये भी जंगल की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ भी चलेंगे हम लोग एंड एक ये रास्ता है, इसमें भी चलने वाले हैं हम लोग। और इधर रहेंगे, ये भी एक रास्ता है, ठीक है। हम लोग सारे जगह पर अंदर चलने वाले हैं अभी। सो पहले पूरा दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक इधर सा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है गाइस यहाँ का, और हम लोग सारे गेटों में अंदर चलेंगे एंड देखते हैं यहाँ पर क्या है। सो चलो पहले उधर चलते हैं। आ जाओ, यहाँ चलो आगे लोग। देख सकते हो यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी। और ये चीज़ अपने आप में एक स्कैरी करने वाले, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूम है और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम लोग को क्या करना है अभी। सो चीज़ें देखते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ पर पहले पड़ी हुई थी वो अब यहाँ पर नहीं है। सो हम लोग को वही चीज़ देखने की यहाँ से लोग सारी चीज़ें उठा कर ले गए हैं या फिर अभी भी सब चीज़ें यहाँ पर हैं। सो देखते चलो आज। ये पहले यहाँ पर एक छोटा सा लोहे का गेट हुआ करता था, बट अभी इसको सबको कवर कर दिया गया, बिकॉज यहाँ पर बहुत से लोगों ने सारी चीज़ें लूट ली थी यहाँ पर। और आई डोंट नो कि यहाँ पर एक अजीब सी नेगेटिविटी है, मतलब भूत नहीं कह सकते लेकिन अजीब सी नेगेटिविटी है, ऐसा लग रहा है कोई देख रहा है पीछे से, है ना। चलो देखते हैं। सो गाइस देखो,
डरने की कोई बात नहीं यहाँ पर लग रही, बट थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है दिमाग में आती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे साथ मेरे दो बंदे हैं, ठीक है, मेरे साथ जैसे कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर अभी भी ऐसी चीज़ें कुछ हैं या नहीं है, कि जो सारा सामान था वो उठा कर ले गए हैं या नहीं ले गए हैं। और मैं तेज़ वैसे नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी आ गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो धीरे धीरे आ जा भाई, चलो चलते देखते हैं और क्या कर सकते। भाई समझ नहीं आ रहा गाइस, अभी मैं वहां से वापस आया और फिर से मैं उसी लोकेशन पे आ गया, और मुझे पता नहीं हमारा डर है या फिर क्या नाम है, सच में कुछ है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पर अभी जब पहले व्लॉग में आया था, वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर स्टूल रखे थे, प्लंग रखे थे, सारी चीज़ें रखी थी यहाँ पे, जो कि अब सारी चीज़ें गायब हैं। सो इसकी स्टोरी मैं क्यों बताऊँगा कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जो यहाँ पर ये हॉन्टेड प्लेस माना जाता है, और ऐसी क्या चीज़ें थी यहाँ पे जो कि आपको हॉन्टेड लगती हैं। सो इसकी स्टोरी ना मैं आपको सारी वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसे क्या चीज़ थी यहाँ पे जो आपको हॉन्टेड लगती है और लोग यहाँ पर आने से डरते हैं आज भी। और डर जो मेन है ना वो इस चीज़ का होता है कि यहाँ पर ऐसे लोग अपना बसेरा बना लेते हैं जहाँ पर इंसान को दिक्कत हो सकती है। सो यहाँ पर छोटी चीज़ देखते हैं, देख सकते हो आप ये प्रॉपर यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि पहले यहाँ पर बेड हुआ करता था, और इधर की साइड यहाँ की साइड गाइस यहाँ पर एक बेड था, ठीक है, जो कि आई डोंट नो कहाँ गया, अभी लोग यहाँ से उठा के ले गए या कहाँ गया आई डोंट नो अबाउट इट, बट यहाँ पर एक था बेड जिससे यहाँ पर सारी चीज़ें रखी थी, टंग था, बेड था, सभी चीज़ थी, बट अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आ जा अब बाकी हम आगे चलते हैं और देखते हैं और आगे कितने रोक दूँ ये सुधर ही आते हैं तो इधर से इधर वीडियो चल रही है। सो गाइज ये इस महल का पीछे का रास्ता है जिस पे साइड में आ चुका हूँ, और जब मैं पहले आया था ना तो ये चीज़ मुझे इतनी बड़ी लग रही थी, बट अभी आया हूँ ना तो मुझे थोड़ी छोटी लग रही जगह, और मैं जिधर जा रहा हूँ मुझे लग रहा है मैं उधर से निकल रहा हूँ वापस। तो ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा भाई तुम लोगों नहीं, ठीक है, आई डोंट नो मेरी ये क्या मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ, बट बाकी हम यहाँ से ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। इधर दिखाइए वो शिट यार, चल भाई वापस आते हैं। ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा स्कैरी लग रही है मुझे, क्योंकि जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ ना मुझे ऐसे लग रहा है उस जगह से मैं वापस निकलाऊँ, बट अभी क्या है अभी हम ऊपर चलते हैं ज़्यादा, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, सीधे से ऊपर है। अच्छा जस्ट यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक ये वाला है और एक वाला है, ठीक है। सो हम लोग अभी जो चलने वाले हैं ना वो ऊपर चलने वाले हैं, और ये जो बहुत ज़्यादा स्कैरी होने वाला है हम लोग के लिए। चलो यहाँ की अभी स्टोरी की बात कर लेते हैं। सो भाई थोड़ा टोर सामने कर ले, आ जाओ सारे। सो गाइस देखो स्टोरी, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कोई आ रहा है। तो गाइस स्टोरी यहाँ की ये है कि यहाँ पर एक रानी रहती थी जो कि अपने 20 डोबरमैन कुत्तों के साथ और अपने कुछ जहरीले सांपों के साथ यहाँ पर रहती थी। तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से जगह मिली हुई थी, बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि मैं शॉर्ट में बताऊँगा कि कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि गवर्नमेंट वाले उसे खाली कराने आते हैं, तो अपने डोबरमैन कुत्ते उनके पे छोड़ देती थी जिससे कि वो जगह लोग खाली नहीं करा पाते थे। वो लोग क्या करती है, वो अपने एक हीरे की अंगूठी होती है वो खा लेती है, और खाने के बाद वो मर जाती है। तो जैसे लोगों को पता लगता है कि यार इसने हीरे की अंगूठी खाई थी, तो वो लोग उसकी कब्र खोदने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके बेटे जो हैं जो विदेश में रहते हैं बाहर, वो वापस आते हैं और अपनी माँ को इसी जगह पर गाड़ देते हैं जिससे कि लोग उसकी चीज़ों को हार्मफुल ना पहुँचा पाएँ। सो या गाइस ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लगती हैं, बिकॉज लोगों को लगता है कि यहाँ पर अभी भी उसकी आत्मा भटकती है, इसलिए यहाँ पर अभी देख रहे हो रात के 2 से 2:30 बज रहे हैं और यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है गाइस, सिर्फ हम लोगों की वजह हम ही हैं यहाँ पर आपको कोई भी नहीं मिलेगा गाइस, इस चीज़ का मेरा दावा है। यहाँ पर बहुत ही कम लोग हिम्मत जुटा पाते हैं आने की। सो हम लोग आए थे तो ये चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता है यहाँ पे कि यहाँ पर कुछ हॉन्टेड है या नहीं है। सो देखो हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा, कुछ लगा आपको भाई ऐसा? और तुझे? मुझे तो कुछ नहीं लगा ऐसा हॉन्टेड।
सो देखो बहुत अच्छा लगा वाकई लिटरली यार। सो देखो हॉन्टेड तो देखो किसी को कुछ लगा नहीं, बट जहाँ तक मेरा है क्योंकि मैं एक्सप्लोरर हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें ना लगती हैं ऐसी जो कि मुझे फील होती हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। तो लोगों ने यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ का जो खजाना था सब चीज़ें यहाँ से उठा ली थी लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ से उठा ली थी और यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा लोगों ने। जैसे मैं पहली वीडियो में आया था तो यहाँ पर ट्रंक भी रखे थे, अभी वो भी नहीं है यहाँ पे। सो सारी चीज़ें यहाँ से उठा ली गई हैं और ये ऊपर का व्यू जहाँ से मैं खड़ा हूँ। सो ये यहाँ की स्टोरी थी जिससे कि ये इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। गाइस मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, आप अकेले मत आना, आओ तो किसी के साथ आना। और बाकी देखो अभी नीचे चलने वाला हूँ मैं वीडियो में और यहाँ पर वीडियो हमारी ख़त्म हो जाएगी। सो गाइस प्लीज़, अगर मैं आपको इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपनी पूरी टीम के साथ आ रहा हूँ रात को, सो प्लीज़ आपका भी मतलब बनता है यार कि मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, और वीडियो को लाइक जरूर कर दे करो यार। अगर आप सब्सक्राइब करोगे मैं आने वाली वीडियो जो भी आप मुझे कमेंट पे बताओगे मैं वो वीडियो लेकर आऊँगा 110% गाइस। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।